उर्फी जावेद अक्सर अपनी ड्रेसिंग और फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी एक फेक अरेस्ट वीडियो बनवाई थी, जिसमें उन्हें उनके अतरंगी और छोटे कपड़ों के लिए पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती दिख रही थी। इस वीडियो पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है और उर्फी जावेद के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। उर्फी की वीडियो का एक ब्लर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मुंबई पुलिस ने कैप्शन में लिखा, सस्ते प्रचार के लिए कोई देश के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। अश्लीलता के मामले में मुंबई पुलिस के कथित तौर पर एक महिला को गिरफ्तार किए जाने का वायरल वीडियो सच नहीं है। मुंबई पुलिस ने आगे लिखा, सिंबल और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया गया। हालांकि भ्रम वीडियो में शामिल लोगों के खिलाफ ओशिवारा PSTN में धारा 171 419 534 IPC के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच जारी है। फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि उर्फी जावेद का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दो महिलाएं पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ थाने चलने के लिए कहती है। इस पर उर्फी उनसे अपना जुर्म पूछती हैं, तो फेक पुलिसकर्मी उन्हें कहते हैं कि वे उनके छोटे कपड़े पहनने की वजह से उन्हें लेकर जा रही हैं। इसके बाद वे उर्फी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती हैं। ये वीडियो उर्फी ने पब्लिसिटी के लिए बनवाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने वर्दी का अपमान करने के इल्जाम में उन पर कार्रवाई की। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।